अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? हमारे लास्ट लेक्चर में असर्टिव सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। आज जो नेक्स्ट है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, देन इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एंड पे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सॉरी, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे जाते हैं कि वो क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेस कंटेनिंग फीलिंग, इमोशंस, एक्सप्रेशन, सैडनेस, हैप्पीनेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, सैडनेस होती है, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। दे बिगन फ्रॉम व्हाट, हाउ और एनी इंटरजेक्शन। यानी ये तीन तरह से स्टार्ट होते हैं, या तो व्हाट से स्टार्ट होते हैं, या हाउ से स्टार्ट होते हैं, या फिर किसी भी इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे हुर्रा है, आ है, हुर्रा है, वाव है। अब आपने ये जेन में रखना है कि ये तीन तरह से स्टार्ट होते हैं, व्हाट से स्टार्ट होते हैं, हाउ से होते हैं और एनी इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आ, हुर्रा, वाव, फाई फाई, जैसे फाई फाई होता है मतलब छी छी आप बोलते हैं, कोई फीलिंग होती है, कोई इस तरह दिया होता है, तो उससे पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा ये कि दे कंटेन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस एंड होता है तो उसके एंड पर, उसके टर्मिनल पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है। ठीक है, ये जो साइन ऑफ जो ये पंक्चुएशन है, ये मैं अपने पंक्चुएशन वाले लेक्चर में आप लोगों को भी डिटेल समझाऊंगी। ठीक है, चलें अब इसके देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कौन से होते हैं। तो एक तो ये कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते हैं तो उस वक्त हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हम इसको मतलब यूज़ करते हैं लाइक ही सेड को, या जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर रहे होते हैं तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। यूज वर्ड्स एक्सक्लेम्ड विद, हम एक्सक्लेम्ड विद का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर जिनमें कोई इमोशंस, फीलिंग्स, यानी जो फिक्रा वर्ड से स्टार्ट हो, हाउ से स्टार्ट हो या किसी भी इंटरजेक्शन से स्टार्ट हो, ठीक है, उस फिक्रे के साथ जब हम उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो एक्सक्लेम्ड विद का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इमोशंस, हैप्पीनेस लगाएंगे, जॉय लगाएंगे, वरी लगाएंगे, एंगर लगाएंगे, कुछ भी जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूट कर रहा हो। जैसे आपने ये एग्जाम्पल मैंने दिए कि ही सेड हुर्रा आई विन ए प्राइज, ठीक है। अब देखिए हुर्रा, हुर्रा हमें पता चल गया, सेंटेंस को देखते ही पता चल गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि हुर्रा हमें पता चल गया खुशी का साइन है, वो प्राइज जो है वो जीत चुके हैं, तो दैट्स व्हाई कि उनका ये वो एक जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और दे आर मतलब यूजिंग वर्ड हुर्रा, ब्रावो लाइक, ठीक है। अब हमने जब इसको इनडायरेक्ट करना है तो हमने किस तरह से करना है कि ही एक्सक्लेम्ड विद, अब देखिए हुर्रा हमें पता चल गया दे आर हैप्पी, तो दैट्स वाई हमने साथ क्या लगाया, जॉय, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वॉन ए प्राइज, ठीक है, तो उसने एक जो है प्राइज है वो विन कर लिया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं कि सेकंडली वो कहता है कि आजम सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल इट इज, ठीक है, तो ये एक बड़ी वो हैरानी वाली फीलिंग है कि मतलब एक खूबसूरत डॉल देखी उसने और उसने कहा कि वाओ व्हाट अ डॉल, ठीक है, तो व्हाट से स्टार्ट हुआ। अब देखिए कि पहले वाला जो डायरेक्ट था सेंटेंस वो हुर्रा से स्टार्ट यानी इंटरजेक्शन से स्टार्ट हुआ था, सेकंड वाला वाओ से स्टार्ट हुआ यानी सॉरी व्हाट से स्टार्ट हुआ, तो हमें पता चल गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसको जब हम करेंगे तो आजम एक्सक्लेम्ड विद वॉन्डर, देखो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल इट इज, तो बड़ा हैरान हो रहा है कि यार कितनी खूबसूरत वो गुड़िया है, तो उसको वॉन्डर हो रही है, हैरानी हो रही है, तो आजम एक्सक्लेम्ड विद वॉन्डर दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल डॉल, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, तो थर्ड एग्जाम्पल में शी सेड हाउ लवली द गार्डन इज। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस जो स्टार्ट किया वो हाउ से स्टार्ट किया, तो ये बात आप लोगों ने रखनी है कि जितने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हमेशा वो हाउ से स्टार्ट होते हैं, वर्ड से स्टार्ट होते हैं या किसी भी इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया कि ही सेड हाउ लवली द गार्डन इज, सॉरी शी सेड, तो उसको शी एक्सक्लेम्ड हैप्पीली,
जाहिर है वो लवली गार्डन है, प्यारा है, तो उसने इसको देखा है तो मतलब वो शी इज फीलिंग हैप्पी, मतलब लाइक उसको खुशी हो रही है कि इतना खूबसूरत है, उसमें प्लांटिंग है, उसमें ट्रीज हैं, वो डर्टी नहीं है, उसमें बिन्स रखी हुई हैं, तो एक 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 जो है ना उसमें खूबसूरती एक नज़र आ रही है, तो दैट्स वाई शी एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, हमने जो फीलिंग ऐड की वो हैप्पीली ऐड की, शी एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट इट वॉज ए लवली गार्डन। ठीक है, तो अगेन फिर मैं बता देती हूँ कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें फीलिंग्स पाई जाती हैं, इमोशंस पाया जाता है, एक्सप्रेशंस पाए जाते हैं, और वो तीन तरह के सेंटेंसेस से स्टार्ट होते हैं, वर्ड से, हाउ से, और किसी भी इंटरजेक्शन से। ठीक है, उसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर एक तो हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके दैट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा हम उसमें वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेम्ड विद, और उसके उसके साथ आगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग कुछ कोई भी वर्ड जो वहाँ सूट आता हो, हैप्पीनेस आता है, वॉन्डर आता है, जॉय आता है, एंगर आता है, वरी आता है, कुछ भी उसके साथ लगता है तो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। मेरे दिल की संगम वादी में तेरे प्यार के कंबल खिलते थे, मैं धीरे धीरे हंसती थी तेरे गीतों के झूमर झूले में, हरसू मेले लगते थे जब हम तुम संग संग चलते थे, हवाएं भी साथ में होती थी, अंबर भी गाया करता था, वो दिन थे सजना सूरज वर्गे, हम धरती पे चमका करते थे, कहने को तो वो साथ था लेकिन हम एक दूजे पे मरते थे, मेरे दिल की संगम वादी में तेरे प्यार के कंबल खिलते थे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक इवन फॉर एवरीथिंग।